नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट सीटेट 2020। तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है 23 फरवरी 2020 की, हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं और बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हां दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट्स क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यूपी टेट 2019 विवादित प्रश्नों पर कोर्ट का फैसला। जी हां दोस्तों, कब तक आएगा आपका कोर्ट का फैसला और दोस्तों कितने नंबर बढ़ने के हैं आसार और केस कब तक फाइनल होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे ज्यादा मैसेजेस हमारे तक पहुंच रहे थे। उसके बाद दोस्तों बात होगी नई शिक्षक भर्ती 2020 को लेकर। दोस्तों कुछ अपडेट्स आ रही है कि नहीं शुरू हो सकी जूनियर स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती, इस भर्ती में जूनियर टीईटी पास को मिलेगा मौका। फिर उसके बाद दोस्तों अगली अपडेट आई कि अधूरी शिक्षक भर्तियों को निपटाएगा नया शिक्षा सेवा आयोग, बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभागों का परामर्श भी शासन को मिला। सीटेट 2020, ठीक है, सीटेट के लिए अब 2 मार्च तक कर सकते हैं आप आवेदन। सीबीएसई ने आवेदकों की सहूलियत देखते हुए लिया है बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सीटेट एग्जाम डेट मतलब सीटेट का जो एग्जाम की तारीख है दोस्तों वो तो 5 तारीख को ही आपका पेपर होगा, लेकिन दोस्तों होता ना कि आप कब तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो सीटेट लास्ट डेट है वो दोस्तों अब 2 मार्च बढ़ाकर तारीख कर दी गई, तो मतलब आप 2 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो एक एक करके दोस्तों आज की सारी अपडेट को हम देखेंगे। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी हर बड़ी अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारी अपडेट हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपकी जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट है कि आपको नौकरी कब मिलेगी। देखिए काफी छात्र ऐसे जरूर होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जो टीईटी की परीक्षा पास कर चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर चुके हैं लेकिन नौकरी की राह देख रहे हैं। तो दोस्तों उनके लिए क्या है खबर, आइए देखते हैं। नहीं शुरू हो सकी जूनियर स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती, तो पूरी अपडेट दोस्तों देखेंगे। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अब तक नहीं शुरू हो सकी है। प्रदेश सरकार ने दिसंबर में हुई कैबिनेट की बैठक में मान्यता प्राप्त जूनियर स्कूलों में शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए टीईटी ट्रेंड अभ्यर्थियों को पात्र बताया था। इसमें 50% अंकों के साथ स्नातक व बीएड को वरीयता दी जानी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने बीएड का कोर्स कर रखा है दोस्तों तभी आपको इस शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपने डीएलएड का कोर्स किया तो हो सकता है कि आपको मौका ना मिले इस न्यूज़पेपर के अपडेट के माध्यम से। तो दोस्तों आप इस न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे यहाँ पर आपका दोस्तों डीएलएड का जिक्र नहीं किया गया है। क्या बोला गया, इसमें 50% अंकों के साथ स्नातक या दोस्तों जिसको हम बोलते हैं ग्रेजुएशन और बीएड को वरीयता दी जानी है। उसके बाद दोस्तों पूरी अपडेट को हम देखेंगे। जिले में कुल 83 मान्यता प्राप्त जूनियर स्कूल हैं। इन स्कूलों में अप्रैल 2019 से शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी। पूर्व में विद्यालय के प्रबंधक द्वारा इन स्कूलों के शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की जाती थी। दिसंबर में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मान्यता प्राप्त जूनियर स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ करते हुए आयोग का गठन करके उसके माध्यम से परीक्षा कराने के बाद नियुक्ति की बात कही थी। इसमें टीईटी ट्रेंड व 50% अंकों के साथ स्नातक व बीएड करने वालों को वरीयता देने की बात कही गई है। इसके बाद लखनऊ में चयन आयोग का गठन कर दिया गया, लेकिन अब तक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। हालांकि जिले के सभी मान्यता प्राप्त जूनियर विद्यालयों से रिक्त पदों की सूची मांगी गई है। इन्हें 23 फरवरी तक सूचना देने को कहा गया है। सूचना मिलने के बाद पद विज्ञापित होगा, उसके बाद परीक्षा कराई जाएगी, सफल होने पर नियुक्ति की जाएगी। तो दोस्तों ये है पूरा प्रोसेस। तो जो छात्र दोस्तों नौकरी की राह देख रहे हैं तो दोस्तों उनके लिए बड़ी अपडेट होगी कि बहुत ही जल्द दोस्तों इस पर आपकी शिक्षक भर्ती का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। जूनियर हाई स्कूल में दोस्तों एक भर्ती आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों इसका कोई भाई डेडलाइन तो दिया नहीं गया कि आपको मतलब 1 महीने के बाद या 15 दिन बाद दोस्तों या 10 दिन बाद आपका इसका आवेदन शुरू होगा, लेकिन आपको बस ये कहेंगे वेट एंड वॉच करना है दोस्तों। जैसे इसकी अपडेट्स आती है सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए अपडेट करके बताएगा कि आपकी दोस्तों जो जूनियर हाई स्कूल की जो भर्ती आनी है वो कब से शुरू होगी। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट आई थी, अधूरी भर्तियों को निपटाएगा शिक्षा सेवा आयोग, ठीक है। पहले दोस्तों अगर आपने सीटेट के अपडेट के लिए इस वीडियो में आया तो पहले आपको बता दें कि सीटेट के लिए दोस्तों अब आप 2 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। देखिए सीटेट आपके लिए जरूरी क्यों हो जाता है, अगर आपने पेपर 2 क्लियर नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, सीटेट में भी दोस्तों आपके 2 पेपर होते हैं, आपको पता होगा पेपर 1 और पेपर 2, दोनों के दोस्तों चीजें अलग अलग होती है। कि पेपर 1 अगर आप पास करेंगे तो आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक के टीचर के लिए योग्य होते हैं, पेपर 2 पास करेंगे तो आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के टीचर के लिए योग्य बनते हैं।
तो दोस्तों दोनों में बस डिफरेंसेस यही है, तो आपको ये ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई करनी है। तो आप दोस्तों देख लीजिएगा कि आपको कैसे तैयारी करके आपको कौन सा पेपर क्लियर करना है, और दोस्तों हमारी राय मानी तो आप दोनों पेपर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप पेपर वन देना चाहेंगे सिर्फ, तो आपको पता होगा कि आपको 1000 रुपये दोस्तों खर्च करने पड़ेंगे, वही दोस्तों आप दोनों पेपर देंगे तो दोस्तों आपका दोनों पेपर 1200 रुपये में हो जाएगा। मतलब दोनों पेपर के लिए दोस्तों आपको 200 रुपये खाली एक्स्ट्रा खर्च करने हैं और एक पेपर के लिए आपको 1000 रुपये। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखकर ऑनलाइन आवेदन करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो पूरी दोस्तों अपडेट यही है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से होने वाली सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के इच्छुक लोगों को, ठीक है ना, मतलब इनके लिए दोस्तों एक अच्छी खबर है कि CBSE ने इसके अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब आवेदक 2 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि 5 मार्च तक फीस जमा कराई जा सकती है। सीटेट के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 जनवरी से शुरू हुई थी। आवेदन की अंतिम तिथि 24 फरवरी निर्धारित की गई थी, लेकिन अब आवेदकों की सहूलियत को देखते हुए इस तिथि को बढ़ाया गया है। मालूम हो कि देश भर के 112 शहरों में 5 जुलाई को इस परीक्षा का आयोजन होना है। तो दोस्तों जो आपकी परीक्षा होगी सीटेट की, वो 5 तारीख को होगी। देखिए यहाँ पर कुछ बातें समझने वाली होगी हमारे लिए कि दोस्तों जो ये वैकेंसी आने वाली, अभी आपने दोस्तों जो अपडेट हमने आपको बताई ये वाली वैकेंसी, तो दोस्तों अगर ये वैकेंसी जुलाई के अंत तक आती तो दोस्तों तब तक आप सीटेट क्लियर कर देंगे। अगर अभी तक आपने किसी भी टेट परीक्षा को क्वालिफाई नहीं किया तो हो सकता है कि आप सीटेट की जो परीक्षा उसको आप पास कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों आपको आवेदन का मौका भी मिल जाए। देखिए एक बात तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है कि जब तक आप TET की परीक्षा पास नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो सकते। मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या दोस्तों यहाँ पर सीटेट लगा दीजिए, चाहे दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे तो आप UPTET लगाएंगे। तो ये चीज़ दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाती है। तो पहले एक और अपडेट को देखते हैं जो आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से मिली है कि अधूरी भर्तियों को निपटाएगा शिक्षा सेवा आयोग। परीक्षा नियामक प्राधिकारी दोस्तों या जिसको PNP कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की अधूरी भर्तियों को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरा करेगा। सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जुटी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। इस पर बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभागों का परामर्श भी शासन को प्राप्त हो चुका है। नियमावली के ड्राफ्ट को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने का इरादा है। शिक्षा सेवा आयोग परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों और सहायता प्राप्त हाई स्कूलों के LT ग्रेड शिक्षकों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर करेगा। वही आपके दोस्तों सहायता प्राप्त हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों, एडेड इंटर कॉलेजों के प्रवक्ता व प्रधानाचार्य और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्य का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए होगा। अभी बेसिक शिक्षकों की भर्तियां परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से की जा रही है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व प्रधानाचार्यों का चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कर रहा है। तो दोस्तों देखिए बहुत ही जल्दी दोस्तों आपका जो नया आपका दोस्तों बन रहा है शिक्षा सेवा आयोग, वो दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। उसके बाद दोस्तों जो आपकी जो भर्तियाँ आएंगी आने वाले समय में वो काफ़ी तेजी से कम्प्लीट होंगी। जैसे दोस्तों अभी सबका अपना अलग अलग आयोग है तो उसके वजह से दोस्तों आपकी शिक्षक भर्ती में देरी होती है, लेकिन दोस्तों जब एक बार इसका गठन हो जाएगा, देखिए अभी इसको समय लग रहा है तो दोस्तों, लेकिन जब तक इसका गठन नहीं होगा तब तक दोस्तों आपकी जो ये वैकेंसी जूनियर स्कूलों में शिक्षकों की, तब तक ये भी नहीं आ पाएगी। तो वेट दोस्तों इसी की वजह से दोस्तों सभी का मतलब इंतजार करना पड़ेगा सभी छात्रों को, तो वेट एंड वॉच करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये आपका एक सवाल आएगा कि UPTET विवादित प्रश्नों पर कोर्ट का फैसला क्या हो सकता है और कब तक केस फाइनल होगा। तो दोस्तों उसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक प्रॉपर लिंक दे रखा, उस लिंक के माध्यम से दोस्तों जाइए और एक बार कोर्ट अपडेट को चेक करते रहिए। रोज कोर्ट अपडेट्स को देखते रहिए दोस्तों, उसमें क्या अपडेट्स निकल कर आ रही थी कि जब तक दोस्तों मामला आपका कोर्ट से फाइनल नहीं होता तब तक तो आपको भी पता है कि यार कुछ होने वाला है नहीं। तो सब कुछ दोस्तों आपके कोर्ट पर ही निर्भर करेगा कि यार आखिर कोर्ट अपडेट्स में क्या होता है दोस्तों। और वेट एंड वॉच दोस्तों, यही पॉलिसी फिलहाल अभी आपको अपनानी है। जैसे दोस्तों आपका केस फाइनल होगा, सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल आपको अपडेट करके बता देगा कि आखिर UPTET 2019 में विवादित प्रश्नों को लेकर कितने नंबर आपके बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक इस पर कुछ भी फैसला नहीं आया है कि कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जितने विवादित प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों पर आपके नंबर बढ़ सकते हैं, तो उसको भी हम कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक के माध्यम से दे रहे हैं। तो एक बार दोस्तों जाइए, उसको आप चेक कर लीजिए और सारी अपडेट्स दोस्तों, हो सकता है कि इस वीडियो को आप बाद में देख रहे हो, होता ना कि आज हमारे 23 तारीख दोस्तों आज वीडियो को तो हमने बनाया है, लेकिन हो सकता है कोई छात्र इस वीडियो को 24-25 या कभी और दोस्तों देखे। तो इसके लिए दोस्तों हम कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक देते हैं जो कि एक वेबसाइट का होता है। तो दोस्तों वहाँ वेबसाइट पर दोस्तों उस लिंक को हमेशा अपडेट किया जाता है, उसमें दोस्तों जो भी नई
अपडेट्स आती हैं उसको दोस्तों वहां पर बदलाव किया जाता है, तो उसको आप चेक करते रहिए। जैसे दोस्तों कोई पुख्ता और नई खबर मिलेगी, सबसे पहले दोस्तों आपको सूचित किया जाएगा वहां पर, और उसको दोस्तों जाइएगा लिंक पर ना, तो एक बार उसको रिफ्रेश करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका होता है ना कभी कभी पेज आपका रिफ्रेश नहीं होता है, ओपन कर लेते हैं नॉर्मली, तो आप उसको रिफ्रेश करके चेक करते रहिए। जो भी दोस्तों ताज़ा खबरें आएंगी सबसे पहले दोस्तों वो आप तक पहुँचेंगी। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों जो भी नए शिक्षक भर्ती की अपडेट्स आएंगी और दोस्तों कितने नंबर आपके बढ़ने के आसार होंगे, सब कुछ हम दोस्तों आपको अपडेट करके बताते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों यूपीटेट 2019 में भी काफ़ी छात्र ऐसे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आज, या तो उनके 81 नंबर आ रहे हैं या तो 89 नंबर आ रहे हैं, तो वो छात्र भी सोच रहे होंगे यार कैसे एक आधा नंबर बढ़ जाए हमारा, तो 81 से 82 हो जाए, 89 से 90 हो जाए, या दोस्तों आप 80 पर हो तो 80 से 82 हो जाए। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपके नंबर बढ़ेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और आप लोग भी सीटेट 2020 की तैयारियां शुरू रखिए। जो छात्र TET की परीक्षा पास कर चुके हैं वो अब सुपर टेट में दोस्तों लग जाइए, नहीं तो समय कम रहता है, तो सुपर टेट की तैयारियों में लगिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।